Hello everyone, my name is Avejit Sekho and today I'll be proceeding over the demonstration session for our software which is Teach Infinity 2. So ये हमारी सॉफ्टवेयर की एक बेसिक स्क्रीन प्रोजेक्ट होती है. तो इसमें ऑप्शंस तीन पोर्शंस में डिवाइडेड हैं, बीइंग द सेंटर वन, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन. तो मैं सेंटर वाली ऑप्शंस ग्रिड जो है हमारी, मैं उससे स्टार्ट करूँगा. तो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज स्मूथ पेन. स्मूथ पेन में आपकी राइटिंग की ऑप्शंस होंगी, जो आपने एनोटेट करना है वाइट बोर्ड से, मार्कर से, आप जो करते जाएं वो आपका स्मूथ पेन से आपकी सारी नीड सफाइस होंगी. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ से ये आपकी सारी ऑप्शन जो है स्मूथ पेन करेगा. सेम गोज विद द कलर्स ऑप्शन. अगर आपने कलर ऑप्शन चूज करनी है, इवन आपको ग्रिड्स में कोई कलर वेरियंस चाहिए, तो वो जैसे फोटोशॉप में ऑप्शन आती है कई बार वेरियंस की, तो वो आप पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं वो फिल आउट करके एक पर्टिकुलर मिक्सचर अगर आपने क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्रांड्स में कुछ पर्टिकुलर मिक्सचर ही अवेलेबल होता है, वो कलर पैलेट में कलर्स नहीं अवेलेबल होते, तो वो आप यहाँ पे वेरिएबल्स फिल आउट करके वो एक कलर पर्टिकुलर मिक्सचर आप बना करके उसको ऐड कर सकते हैं. सेम गोज विद द विड्थ. अगर आपने विड्थ इंक्रीज करनी है स्केच की अपने, तो आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई बड़ी ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको एक विड्थ जो है पेन की ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके लिए आप विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. द नेक्स्ट ऑप्शन विच वी हैव इज द इंटेलिजेंट पेन. तो वॉट इंटेलिजेंट पेन डज इज इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द शेप एंड इट विल डिफाइन द एजेस. तो फॉर एग्जाम्पल आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ये ऑटोमेटिकली उसके एजेस को डिफाइन करके एक प्रॉपर शेप आपको बना के प्रेजेंट कर देगा. सेम गोज विद द सर्कल. अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ऑटोमेटिकली ये आपको परफेक्ट शेप एक बना करके दे देगा. कलर्स आप सिमिलरली वेरी कर सकते हैं जैसे भी आपकी नीड रहेगी. नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज द हाइलाइटर पेन. हाइलाइटर पेन का प्रिंसिपल सेम है जो हम बुक्स में यूज करते हैं जनरली. इसमें बस एक हमारे पास जो यूटिलिटी इसमें बेटर है, एक तो आप विड्थ उसकी इंक्रीज कर सकते हैं हाइलाइटर की. अगर आपको कुछ ज़्यादा एरिया कवर करना है एक पर्टिकुलर स्ट्रोक में, तो उससे आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है ट्रांसपेरेंसी की. अगर आपने ट्रांसपेरेंसी वेरी करनी है हाइलाइटर की, तो वो चीज़ भी आप इससे एकम्प्लिश कर सकते हैं. जो कलर्स की ऑप्शन है वो आपकी एज इट इज वही रहेगी जो आपकी नॉर्मली चल रही है. नेक्स्ट वी हैव इज अ लेजर पेन. तो व्हाट लेजर पेन डज इज ये एक आपको पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर कोई भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है या कुछ लिखा हुआ है आपने, तो उसके ऊपर अगर आपने कुछ फोकस क्रिएट करना है, तो उसमें आपको हेल्प करता है. बी इट अगर आपने एरो ड्रॉ की हुई है, या अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ करना है ताकि जो चीज़ एनसर्कल्ड है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, तो उस ये लेजर पेन से आप वो चीज एकम्प्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ब्रश. ब्रश ऑप्शन इज बेसिकली टू फिल आउट द कलर्स. अगर आपने कलर्स वगैरह फिल आउट करने हैं या कर्सिव स्ट्रोक्स आपने लेने हैं, तो वो चीजें आप एकम्प्लिश कर सकते हैं ब्रश के साथ. नेक्स्ट वी हैव इज अ जेस्चर पेन. तो जेस्चर पेन के साथ आप प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, जो भी यहाँ पे जेस्चर्स बने हुए हैं उनको आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो उसके अगेंस्ट जो पर्टिकुलर एक्शन नीचे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे स्ट्रोक्स करेंगे तो वो रीजन इरेजर का काम करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स करता हूँ, तो ये रीजन इरेजर का काम हो गया. सेम गोज विद, अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाना है तो मैं क्लिक करूंगा, पिछली स्लाइड आ गई, मैं नेक्स्ट करूंगा, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ गई. सो दीज आर बेसिकली जेस्चर कंट्रोल्ड फीचर्स. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन पेन. तो जैसे कि आपको नाम से पता लग गया होगा हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन पेन, तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके टाइप्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. फॉर एग्जांपल मैंने हेलो लिखा था यहाँ पे, तो उसने ऑटोमेटिकली हेलो को कन्वर्ट करके टाइप्ड फॉर्म में एक यूनिफॉर्म पैटर्न में इसने कन्वर्ट कर दिया, जो सबको अंडरस्टैंडेबल चीज़ में कन्वर्ट कर देगा. इसमें ऑप्शंस है आपके पास, फॉन्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप अलाइनमेंट वेरी कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं, सेम ऑप्शंस हमने इसमें भी प्रोवाइड की हुई हैं. बी इट बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक्स में लिखना है, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एकम्प्लिश कर सकते हैं. कितनी देर बाद ये प्रेजेंट होगा लिखने के, वो इंटरवल भी आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1.8 सेकंड्स है, कम करना है आपने साथ की साथ आ जाए, तो वी हैव अ 1.2 सेकंड एज वेल. तो ये सारी ऑप्शंस इसमें आपकी अवेलेबल रहेंगी. ये रीजनल लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को डिटेक्ट कर देगा, प्लस जो आपकी बेसिक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक्स आ जाएंगे, प्लस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करके ये कन्वर्ट कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव इज अ टेक्स्चर पेन.
टेक्सचर पेन में क्या चीज़ आ जाएगी, टेक्सचर पेन में वी हैव इज ब्यूटिफिकेशन पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई पीपीटीज वगैरह आपने बनाई हैं या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का आपका वर्क है, तो उसमें आप ब्यूटिफाई करके चीज़ों को, उसमें आप टेक्सचर यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपके कस्टमाइज टेक्सचर हैं तो वो वी हैव अ प्लस साइन, वो आप ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वो आपको हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पे आपके एक बार में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज अ बैम्बू पेन। बैम्बू पेन अगेन इज फॉर स्ट्रोक्स, अगर आपने स्ट्रोक्स वगैरह कुछ लिखने हैं, कर्सिव राइटिंग लिखनी है आपने, सो दिस इज बेसिकली फॉर दोज पर्पजेज। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रोक्स हैं ये स्मूथ पेन में नहीं अवेलेबल होते कई बार, या आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए काफ़ी चीज़ें ये यूजफुल रहती हैं, तो उसमें आप एक सिंपली ये स्ट्रोक्स के साथ काम कर सकते हैं। देन लास्ट वी हैव इज अ स्टैम्प ऑप्शन। स्टैम्प ऑप्शन विल प्रोवाइड अ पर्टिकुलर स्टैम्प ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और योर इंस्टीट्यूट, जिससे आपको पीपीटीज में मोस्टली हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टार्स कोई एक पर्टिकुलर स्टैम्प है, आपको हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपली यहाँ पे कर दिया, ऐड कर सकते हैं आप उस चीज़ को। नेक्स्ट वी हैव इज एन इरेजर ऑप्शन। इरेजर ऑप्शन में वी हैव अ पिक्सल इरेजर, अगर आपको पिक्सल बाय पिक्सल चीज़ इरेज करनी है और आपको एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके वही चीज़ इरेज करनी है, कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है तो पिक्सल बाय पिक्सल से टाइम कंज्यूमिंग है, तो वॉट यू कैन डू इज आपने कोई पर्टिकुलर एक एरिया सेलेक्ट किया, उसके अंदर जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें इरेज हो जाएगी, आपको पूरी स्लाइड ही इरेज करनी है। इवन दैट कैन बी डन एक सिंगल स्लाइड के साथ, वो पूरी स्लाइड इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज प्री डिफाइंड इमेजेस जो हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो प्री डिफाइंड इमेजेस में वी हैव, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वी हैव सर्कल, वी हैव एलिप्स, वी हैव स्क्वायर, वी हैव रेक्टेंगल, लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक आपका कोई मेन फ्रेम का टॉपिक है, फिर अगर आपने उसको कुछ छोटे टॉपिक्स में डिफाइन करना है तो आप उसको ईजिली बाइफर्केट करके उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एन इंसर्ट ऑप्शन। तो व्हाट इंसर्ट ऑप्शन डज इज, इसमें एक तो टेक्स्ट की ऑप्शन, अगर आपको सिंपली टेक्स्ट ही इसमें इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल टाइप करके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू, या आपने कोई कीबोर्ड अटैच किया हुआ उसके थ्रू आपने इंसर्ट करना है, दैट कैन बी डन। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है आपकी इमेजेस या वीडियोज इंसर्ट करने के लिए, जो कि बहुत यूजफुल चीज़ है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई नोट्स वगैरह, पर्टिकुलरली हमें क्वेरीज आती हैं कि सर अगर हमारे पास नोट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, तो उसमें हम क्या एनोटेशन, कुछ डिफरेंसेस, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन हमने उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली इंसर्ट की हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्री डिफाइंड कोई प्री लोडेड इमेजेस हैं, तो आप उनको एनोटेट करके डिफाइन कर सकते हैं आगे, अपने कलर्स चेंज करने हैं, कलर्स की ऑप्शन आपके पास है, आप सारी चीज़ें अलग से डिफाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर गोज विद द वीडियोज, अगर आपके पास कोई वीडियोज भी हैं तो आप वीडियोज भी इंसर्ट करके उनके ऊपर एनोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्री लोडेड वीडियोज हैं, फॉरवर्ड करके गया, यहाँ पे मैंने पॉज किया एंड आपने एनोटेट करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज, अगर आपने कोई टेबल्स वगैरह इंसर्ट करने हैं तो सिंपली आप 4x4 या 5x5 का आपने टेबल इंसर्ट करना है, दैट कैन बी डन सिंगल, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है अंडू एज वेल एज रीडू की ऑप्शन। अगर आप कई सॉफ्टवेयर्स में अंडू की ऑप्शन रहती है लेकिन रीडू की ऑप्शन नहीं रहती है, तो इसमें क्या चीज़ रहेगी, आपकी अंडू प्लस रीडू दोनों की ऑप्शन आपकी रहेंगी। अगर कुछ गलती से इरेज हो गया है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एक हमारी आ जाती है ग्राफ्स की। सो दिस इज बेसिकली फॉर द एडवांस्ड मैथमेटिक्स में ये चीज़ें मोस्टली यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ्स करने हैं तो आपने सिंपली ओके किया, आप ग्राफ पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो फ्रॉम द इक्वेशंस आपने इक्वेशंस इंसर्ट करनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपका ग्राफ यहाँ पे पोर्ट्रे हो जाएगा, एंड सिमिलरली आपकी जो चीज़ है वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी, द एंड रिजल्ट जो भी रहेगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होएगा। सेम जो चीज़ है वो हमारी मिल जाती है आपको फॉर द CAS, प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री, स्प्रेडशीट्स, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो ये था हमारा जो मिडल वाला पार्ट रहेगा। देन वी कम ऑन टू द राइट हैंड साइड वाला पार्ट, जिसमें के जो पहली स्क्रीन है दिस इज फॉर द जूम इन एंड फॉर द जूम आउट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ लेक्चर में इमेज इंसर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, तो आपने उसको जूम इन या जूम आउट करके दिखाना है।
उसको इजीली जूम इन एंड जूम आउट करके दिखा सकते हैं। सेम गोज विद अगर आपने हैंड से जूम इन जूम आउट वाला जेस्चर करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फोन के साथ काफी यूज टू रहते हैं तो आप उसको इजीली जूम इन एंड जूम आउट करके, पिंच एंड पिंच आउट करके उसको जूम इन जूम आउट वाला फीचर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्क्रॉल का ऑप्शन। स्क्रॉल का ऑप्शन आपका कहाँ पे यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल जो व्हाइट बोर्ड के साथ या ग्रीन बोर्ड के साथ फेमिलियर है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पर्टिकुलर शीट है, इतना ही एरिया आपको मिलेगा अगर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x8 का बोर्ड है, 4x6 का बोर्ड है, तो एक डिफाइंड कैनवस आपको अवेलेबल रहती है। तो इन केस अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो 2 से 3 दफा उसको आप इरेज करेंगे, विच इज अ बट ऑब्वियस थिंग। उसको इरेज होगी जो चीज, दैट विल बी काउंटेड एज अ डेटा लॉस। तो वट वी टेंड टू डू इन आर सॉफ्टवेयर इज टू मिनिमाइज दैट डेटा लॉस एक्चुअली। तो इसमें मिनिमाइज नहीं होता, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट पढ़ाया, ये सारी शीट जो है मेरी यूटिलाइज हो गई है। आपने सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करना है और आपकी शीट नीचे इनफाइनाइट है। तो वट वी आर प्रोवाइडिंग इज एन इनफाइनाइट कैनवस। तो आपने फिर इसको यूटिलाइज किया, फिर आपने इसको स्क्रॉल किया, एंड दिस इज ओमनी डायरेक्शनल। आपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी साइड करना है, अब इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसको फॉर एग्जाम्पल डेरिवेशंस है काफ़ी बड़ी, आपने एक ही स्क्रीन पे इसको ला के फिर एक कंक्लूजन देना है, सो इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो आर मेन मोटिव इज जीरो डेटा लॉस विच वी आर अकम्पलिशिंग बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। नेक्स्ट वी हैव इज शीट्स की ऑप्शन, जो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑन द 7th स्लाइड, तो इसमें भी स्लाइड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक एक स्लाइड पे फिनिश कर दिया, एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड यूज कर सकते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन ईजी हो जाती है। इवन जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा है उसके लिए भी, जो ऑडियंस है उनके लिए भी, उसके लिए भी जो है चीज़ें ईजी रह जाती हैं। तो द नेक्स्ट ऑप्शन वॉट वी आर प्रोवाइडिंग इज, इसमें शीट्स इंसर्ट करने की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो बी इट आपने मैंने 7 की हुई है, आपने 70 करनी है, इवन 700 करनी है, तो उसमें भी इसकी विंडोज वाले प्लेटफॉर्म में कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में शीट्स इंसर्ट करने की। एंड बियॉन्ड दैट जो भी आपने इवन फर्स्ट शीट पे जो पढ़ाया था आपने, सो उसमें भी डेटा लॉस बिल्कुल नहीं है। इवन इफ आई एम ऑन द 7th स्लाइड, अगर मैंने पहली स्लाइड के ऊपर भी जाना है तो आपने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल अप करके पहली स्लाइड के ऊपर भी जा सकते हैं। सो इवन अगर मैंने कोई पर्टिकुलर डॉट भी जहाँ पे लगाया था, वो वहीं पे एज इट इज आपको इंटैक्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही स्लाइड्स इंसर्ट होती हैं एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सो उसमें क्या रहता है कि आपकी कुछ स्लाइड्स जो हैं दैट विल रिमेन देयर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमने वो टाइमर जो है वो ओमिट किया हुआ बिल्कुल ही। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ योर लेक्चर, आपका आधे घंटे का लेक्चर है, आपका 1 घंटे का लेक्चर है, आपका 2 घंटे का लेक्चर है, डिपेंडिंग ऑन द हार्ड डिस्क की स्पेस आपकी कितनी अलाउ कर रही है, उस हिसाब से आप जब तक चाहें इसको शीट्स को इंसर्ट करके आप पढ़ा सकते हैं एक ही स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट वॉट वी प्रोवाइड इज सर्टन क्वर्क्स एंड फीचर्स विच इंक्लूड द बैकग्राउंड कलर एज वेल। तो बैकग्राउंड कलर में क्या चीज़ आ जाएगी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन लेक्चर्स आजकल कंडक्ट हो रहे हैं तो कुछ कलर्स आईज के लिए ब्राइट लगते हैं ऑडियंस को, तो उसमें आप डल कलर्स यूज कर सकते हैं, बीट योर ऑफ वाइट, बीट योर ग्रेश। तो वो सारे कलर्स हमने, तो नॉट जस्ट दीज टू कलर्स, हमने काफ़ी कलर पैलेट जो है इसमें भी इंक्लूड किया हुआ है। कोई पर्टिकुलर कलर आपका इंस्टीट्यूट का कोई पर्टिकुलर कलर है तो वो भी आप एक पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करके अप्लाई ऑल कर देंगे, वो सारी शीट्स के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एक बेसिक फीचर है वी हैव इंक्लूडेड, विच इज द फुल स्क्रीन ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा 75 इंचेस यूज करना है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं। द लास्ट ऑप्शन विच वी प्रोवाइड इन द राइट हैंड कॉर्नर इज द रियल टाइम एनोटेशन फीचर। तो रियल टाइम एनोटेशन फीचर में क्या चीज़ रहेगी, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया तो डेस्कटॉप आपका प्रोजेक्ट हो गया, जो आपका नॉर्मल स्क्रीन का डेस्कटॉप रहेगा। इसमें जो चीज़ें मैं इंसर्ट करके कर रहा था वो आप यहीं पर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इवन बियॉन्ड दैट अगर आपको कुछ इंटरनेट पे सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको फर्दर उसके अगेंस्ट कोई नॉलेज चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप डायरेक्टली या तो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कई बार डायग्राम्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स को बनाने में ही एक मतलब ह्यूज चंक ऑफ आपका जो लेक्चर का जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग के आपके पास कुछ डायग्राम्स होते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, 3D स्ट्रक्चर्स उसमें चाहिए होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आप ड्रॉ करें, आप डायरेक्टली वाईफाई इनेबल्ड पैनल्स हैं हमारे, तो डायरेक्टली आपने वाईफाई से कनेक्ट करके या लैन के थ्रू कनेक्ट करके आप यहाँ पे स्क्रीन पे खोल सकते हैं सारी चीज़ों को, और आप यहीं पे इस चीज़ को एनोटेट कर सकते हैं। आपने यहीं पे कुछ एक्सप्लेन करना है, आपने यहीं पे एक्सप्लेन किया, फर्दर अगर आपने इसको इंसर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर में
तो इवन दैट कैन बी डन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्लाइड उतना ही पोर्शन चाहिए कि इतना मैंने पढ़ाया था इतना मुझे अपने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करना है, तो आपने सिंपली क्लिक किया, साइज छोटा किया एंड आप यहाँ पे इसको पढ़ा सकते हैं। तो आपने कुछ भी फर्दर एलैबोरेशन करनी है इसके अगेंस्ट, तो दैट एलैबोरेशन कैन बी डन हेयर। नेक्स्ट एक काफ़ी जो इंटीग्रेटेड हमने फीचर इसमें रखा हुआ है विच इज़ द कर्टन ऑप्शन। तो कर्टन ऑप्शन भी काफ़ी यूटिलिटी है। तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल वर्कशीट्स जो इंसर्ट होती हैं, तो वर्कशीट्स में क्वेश्चन एंड आंसर साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे दिए होते हैं, तो इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन रिवील करना है, आपका आंसर जो है वो हिडन रहेगा। सो दिस इज बेसिकली दैट फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्पॉटलाइट फंक्शन एज वेल। तो स्पॉटलाइट फंक्शन में आपका कोई पर्टिकुलर चीज़, अगर आपने कोई पर्टिकुलर बॉन्ड अगर आपने दिखाना है, वो चीज़ आप दिखा सकते हैं। सो दिस वॉज द राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी पेंडिंग ऑप्शंस रह गई थी वो है ये लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट करती है रीप्ले को, सेशन रीप्ले। फॉर एग्जांपल हमने करना है कई बार डेरिवेशन, जैसे मैंने पहले बताया था कि डेरिवेशंस काफ़ी लेंथी हो जाती हैं, तो उनमें अगर कहीं पे कोई क्वेरीज आ जाएँ ऑडियंस में से, या एज सच एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से देखें हम, तो सिंपली एक अगर रिवीजन करवानी है तो आप एक रिवीजन बटन प्ले करेंगे, सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली रिप्ले कर देगा जो भी मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर पहले से किया हुआ है स्टार्टिंग से। तो आप स्पीड वेरी कर सकते हैं, आपने स्पीड तेज़ करनी है स्पीड तेज़ कर सकते हैं, आप कहीं पॉज कर सकते हैं अगर कहीं पे आपने पॉज करना है, पॉज करके दोबारा प्ले करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर वे से। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज फॉर द डिफॉल्ट इमेजेस। अगर आपने कोई डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे स्टोर करके रखनी है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर इमेज है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के टीचर के लिए इंडिया का मैप है एक, तो उनको इंडिया का मैप हर बार चाहिए ही चाहिए, हर सेशन में उन्होंने खोलना है। तो इंस्टेड ऑफ जैसे मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ से दो तीन स्टेप के बाद वो इंडिया का मैप इंसर्ट करें, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मैंने इंसर्ट किया, यहीं से डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा और ये तब तक यहीं रहेगा जब तक इसको डिलीट नहीं कर देंगे। सो दीज आर बेसिकली फॉर द मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इमेजेस। अगर आपको उनमें से इंसर्ट करनी है कोई चीज़ तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव इज अ सूटकेस। सूटकेस में क्या है, सूटकेस में अ बंच ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि एक काफ़ी यूजफुल टूल्स हैं नॉर्मल टीचिंग सिनेरियो में। फॉर एग्जांपल कंपास है, कोई प्रिसाइज आपको मेजरमेंट के साथ आर्क्स ड्रॉ करनी है, या फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के चैप्टर्स रहते हैं तो उनमें आर्क्स का काफ़ी एक यूटिलिटी रहती है, तो उसमें आप कुछ सेंटीमीटर पे कितने एंगल पे आर्क्स ड्रॉ करनी है, तो उन सिनेरियोज में काफ़ी यूजफुल रहती हैं ये चीज़ें। सेम गोज विद द डीज स्केल्स, तो वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। स्पॉटलाइट का जैसे मैंने फीचर बताया था कि फॉर एग्जांपल एक आर्क थी तो आर्क की मीटिंग पॉइंट आपको दिखाना है, तो वो चीज़ आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव इज अ कर्टन। कर्टन के बाद एक मैग्नीफायर की इमेज है। मैग्नीफायर अगर आपने कोई चीज़ करनी है वो जूम इन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैग्नीफायर से एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे आप लेके जाएंगे वो चीज़ जूम इन होगी। नेक्स्ट वी हैव इज अ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर आपको टाइप करनी है कोई चीज़ तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव इज अ कैलकुलेटर। अगर आपको कोई कैलकुलेटर चीज़ यूज़ करनी है, सेम गोज विद स्टैंडर्ड। इसमें स्टैंडर्ड प्लस साइंटिफिक दोनों कैलकुलेटर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेन या कॉस साइन आपने कैलकुलेट करना है, वो चीज़ें इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। देन वी हैव इज अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ टाइमर भी। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम ही नॉर्मल डिस्प्ले करना है, या कोई क्विज ले रहे हैं आधे घंटे का, तो आधे घंटे का टाइमर सेट करके आप उसको प्ले कर देंगे, तो आपको टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कीपिंग की जो नीड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिंपली आपने क्लिक कर दिया वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटे के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्क्रीनशॉट ऑप्शन। अगर आपको कोई चीज़ स्क्रीनशॉट करनी है, कोई पर्टिकुलर पूरी ही स्लाइड करनी है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया करना है, जैसे मैंने ऑन स्क्रीन की जो हमारी लाइव एनोटेशन वाला फीचर था उसमें दिखाया था, तो सेम सिनेरियो पे ये चीज़ बेस्ड है। देन वी हैव इज अ लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑप्शन। तो लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या चीज़ रहेगी कि आपका जो सारा लेक्चर है, जो टीचर ने एक लेक्चर प्रोवाइड किया, वो सारी चीज़ जो है एक वीडियो फॉर्मेट में बन के तैयार हो जाएगी। तो .mp4 फॉर्मेट जो आपका टिपिकल वीडियो का फॉर्मेट रहता है, उसी फॉर्मेट में आपकी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने प्ले कर दिया, अब ये टाइमर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो ये जितना भी अब जो कुछ भी मैं इसके अंदर लिखूंगा ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली MP4 फॉर्मेट में। इसको स्टॉप करेंगे, ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, आपने फाइल को नाम दिया, आपने सेव किया, ऑटोमेटिकली सेव होकर ये सारी चीज़ क्लोज हो जाएगी।
देन वी हैव इज एन ऑप्शन ऑफ विजुअलाइजर. अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल साइड में विजुअलाइजर कनेक्ट किया हुआ है, तो विजुअलाइजर इज अ डिवाइस जो एक साइमल्टेनियसली आपकी इमेजेस जो आप उसके नीचे रखेंगे, स्टिक के नीचे एक कैमरा लगा होता है, तो उस कैमरा के नीचे जो भी आप चीज रखेंगे वो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाएगा. तो बी ई टी और 3D मॉडल्स, बी ई टी और इमेजेस, बी ई टी और फाइल्स, बी ई टी और वर्कशीट्स या जो भी चीज आप नोट्स प्रिपेयर करके लाए हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग आप कैमरा के नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, वो डायरेक्टली आपका स्क्रीन पे रिवील हो जाएगा. देन वी हैव इज अ 3D ऑप्शन. 3D टूल्स में आपके पास क्यूब्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्राइमरी क्लासेस, प्री प्राइमरी क्लासेस, अगर उनको डिफ्रेंशिएशन बतानी है साइड्स में, आप हर साइड को कलर करके उसको दिखा सकते हैं कि कितने 3D शेप्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, क्यूब की, क्यूबॉइड की, स्फेयर, ट्रायंगलर, प्रिज्म अगर आपने दिखानी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रीलोडेड मिलेंगी आपको. देन वी हैव इज अ क्लस्टर ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मेन टॉपिक है, उसके ब्रांच टॉपिक्स हैं, ये आप सिंपली ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर ये हमारा एक डिफाइंड, एक यहाँ पे डिफाइंड एक हमारा चार्ट प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं अगर आपने दिखाना है तो. देन वी हैव इज सब्जेक्ट की ऑप्शंस. तो PCM जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने इसमें, उसके जो बेसिक डायग्राम्स हैं तो वो हमने इसमें प्रीलोड करके रखे हुए हैं, तो मेन चीज़ वही आ जाती है टाइम सेविंग पे. तो सारी चीज़ें हैं टाइम सेविंग की तरफ ही लेके जाती हैं. आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉ करने के आप एक्सपेरिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. तो सारी चीज़ें आपके बीकर्स विद द बोल्स, सारी चीज़ें आपकी यहीं पे अवेलेबल है. आपने लिक्विड लाना है, लिक्विड का जो लेवल है वो ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपकी कस्टमाइज हो जाएंगी. सो सेम गोज विद फिजिक्स. तो फिजिक्स में भी हमारे पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें, इनके अगेंस्ट जो जो भी डायग्राम्स रहेंगे वो हमारे प्रीलोडेड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सिस्टम में. देन द लास्ट ऑप्शन इज फॉर सेव, सेव एज और न्यू फाइल, ओपन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो सेव, सेव एज इज बेसिकली जस्ट फॉर सेविंग. तो इसमें सेव करने के हमारे पास तीन तरीके हैं. द फर्स्ट ऑप्शन वॉज द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन. उससे आप सारी चीज़ को एक वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. तो इसमें आप अगर शेयर करना चाहें तो ऑडियंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं थ्रू मीडियम्स लाइक व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव या जीमेल के थ्रू. वो सारी चीज़ें आप अपनी इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स टोटली स्टोर करके शेयर कर सकते हैं. द सेकेंड ऑप्शन इज द सेव एज ऑप्शन. सेव एज ऑप्शन जैसे हम एमएस ऑफिस में यूज करते हैं वैसे ही यूज होगी ये चीज. इसमें आप एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने ये लेक्चर कंडक्ट किया है, इसको मैं लास्ट में क्विट करना चाहूंगा तो ये पूछेगा डू यू वॉन्ट द चेंजेस टू बी सेव्ड. तो आप इसको सेव पे येस पे क्लिक कर देंगे, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे. पाथ आपने डिसाइड किया, डेस्टिनेशन कहाँ पे सेव करना है, फिर आपने इसको नाम दिया एंड आपने सेव कर दिया. इसी एक्सटेंशन में ये आपकी चीज जो है, आपका पूरा लेक्चर है ये यहीं पे सेव हो जाएगा. तो स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, तो अगर आपका लेक्चर आज कंडक्ट हुआ है तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट लेक्चर आपका कब होना है, बी इट एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद. तो जब भी आपका लेक्चर कंडक्ट होगा तो उसमें जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम निकल जाता है कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, क्योंकि ऑडियंस को भी इतनी इंटरेक्टिविटी नहीं रहेगी, नहीं टच होता कि क्या हुआ था, उनको भी देखना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से एक आध लेक्चर तो इसी में निकल जाता है, डिस्कशंस हुए कि कहाँ पे हमने छोड़ा था लेक्चर. तो वो सारी टाइम को हम बचाने के लिए यहीं से आप सारा लेक्चर अपना रिट्रीव कर सकते हैं. इवन टू द पर्टिकुलर डॉट जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बनाया था या जो लाइंस यहाँ पे ड्रा हुए हैं, सारी चीजें आपकी विदाउट एनी डेटा लॉस आपका यहीं से सारी चीज दोबारा शुरू हो जाएगी. तो यहाँ से आप फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी आपका लेक्चर कंटिन्यूशन में रहेगा. नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं बता रहा था वो है आपकी एक्सपोर्ट की ऑप्शन. एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, दिस इज अगेन फॉर द शेयरिंग विद द ऑडियंस, क्योंकि MP4 की जो फाइल्स हैं ट्रेडिशनली उनका साइज जो है काफी बड़ा हो जाएगा. तो आपको पता है जो वीडियो फॉर्मेट्स हैं उनका साइज काफी बड़ा कंज्यूम करेंगे वो, तो वो वायबल नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आई थिंक 50 या 60 MB की लिमिट है, इससे ज़्यादा आप एक साथ एक वीडियो शेयर नहीं कर सकते. तो एक्सपोर्ट में हमने ये चीज़ें ओमिट की हुई हैं. एक्सपोर्ट में आप इसको PDF या VPT में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सारी स्लाइड्स हैं, अगर आप PDF में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी स्लाइड जो हैं वो पेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, अगर आप PPT में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी स्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इससे PDF और PPT कॉमन फॉर्मेट्स हैं जो हर एक के पास अवेलेबल रहेंगे. तो उससे जो है डेटा रिट्रीवल प्लस कम्युनिकेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, प्लस अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्ट की ऑप्शन. इम्पोर्ट की ऑप्शन करेस्पॉन्ड्स टू बेसिकली अगर आपने कोई चीज़ इसमें इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई PPTs वगैरह हैं,
अगर आपने पीपीटीज वगैरह इसमें इंसर्ट करके उसको पढ़ाना है तो वो आप इजीली यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है तो वी हैव दिस फाइल्स, तो ये आप इसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली आप यहाँ पे एनोटेट करके इसको पढ़ा सकते हैं। ये आपकी सारी चीज़ें आ गई। तो इसको आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्लाइड पे अगर आपने जाना है, आप इसको जूम इन कर सकते हैं, अगर आपने जूम इन करना है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कहीं पे पर्टिकुलर आपने स्लाइड पे इसको लेके जाना है, फिर कुछ इलेबोरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। देन वी हैव इज अ प्रिंट ऑप्शन, अगर आपका नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है प्रिंटर, सेम नेटवर्क पे आपका पैनल भी है तो आपका वायरलेसली प्रिंट भी आ सकता है। देन वी हैव इज सेंड बाय ईमेल, दिस इज द सेम प्रोसीजर, अगर आपको ईमेल के थ्रू सेंड करनी है चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ पे सेंड करेंगे। सेटिंग्स में है, सेटिंग्स में आके 5 पॉइंट इरेजर, कोई डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर आपने सेट करके रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद डिफॉल्ट टेक्स्ट का जो फॉन्ट रहेगा जिसमें कन्वर्ट होता है, तो उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव इज लास्ट ऑप्शन इज हेल्प, तो हेल्प इज बेसिकली अ यूजर मैनुअल जो हमने इसमें बना करके सेव की हुई है। सो दिस इज बेसिकली फॉर 35 to 37 pages का PDF है ये, जिसमें सारी ऑप्शन जो मैंने बताई हैं अभी तक इलेबोरेट की हुई हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद यूजेज, कैसे यूज करना है, क्या यूजेज हैं उसके, कैसे आप उसको फर्दर प्रैक्टिकलिटी में लेके आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज बेसिकली आर टीच इन्फिनिटी टू सॉफ्टवेयर। फॉर एनी क्वेरीज यू मे कॉन्टैक्ट अस और यू मे गो विजिट आर वेबसाइट www.promark.co.in। उसमें हमने एक सर्विस का पोर्टल रखा हुआ है जिसपे आप अपनी क्वेरीज लॉग इन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। थैंक यू।